हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है अष्टमी तो मैं देवी जी का प्रसाद बना रही हूँ, नारियल की बर्फ़ी। सो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम दूध लिया है और उसे अच्छे से बॉयल कर लिया है और उसमें 150 ग्राम मैंने चीनी डाली है और चीनी को और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिसमें चीनी के दाने पूरी अच्छे से गल जाएँ। तो इसे अच्छे से चलाएंगे और आप देख सकते हैं इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया था। और अब मैंने इसमें डाला है 200 ग्राम करीब हमारा नारियल का बुरादा था, जो ग्रेटेड नारियल आता है वो था। और इसे अच्छे से चलाते हुए खूब अच्छे से इसे पकाएंगे। अगर आप इसमें चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है। अगर इलायची पाउडर डालें तो इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। और इस तरीके से पूरा चलाते हुए अच्छे से नारियल को पका लेंगे। और ध्यान रखें, ये बहुत जल्दी चिपकने लगता है तो इसे लगातार हमें चलाना होगा और बिल्कुल चिपकने नहीं देना है कि कढ़ाई में तली में चिपक जाए। सो इसे अच्छे से पकाते हुए चलाते हुए अच्छे से इसे पका लेंगे। या देखिए, जैसे मैं पका रही हूँ इस तरीके से इसे पकाना है। फिर जब ये पक जाए, और इसे धीमी आंच में ही हमें करना है, अगर तेज़ आंच करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये जल सकता है और तली में लग जाएगा तो इसका स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से और धीमी आंच में हमें इसे पका लेना है। पकाने के बाद इसे हमने कढ़ाई में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक साथ, मतलब एक डो जैसा तैयार हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से पक गया है। अब मैंने यहाँ पे दूसरी साइड अपना मेवा जो है, काजू, पिस्ता, बादाम, इसको ग्राइंड कर लिया था और इस तरीके से मैंने किया। और यहाँ पे घी लगाकर मैंने एक प्लेट तैयार कर ली थी और पूरे मिश्रण को हम इस तरीके से थाली में कर लेंगे और अपने अनुसार जैसा मोटा पतला जैसा हमें चाहिए होगा उस तरीके से पूरी थाली में इसे फैला लेंगे। और ये देखिए, जिस तरीके से मैं फैला रही हूँ आप इस तरीके से फैलाइए ना। तो ये ज़्यादा मैंने पतला रखा था और ना ही मैंने बहुत ज़्यादा मोटा रखा था। तो इस तरीके से फैला लीजिए। अगर आप पूरी थाली में फैलाना चाहें तो पूरी थाली में फैला लीजिए, तब तो बर्फ़ी काफ़ी पतली बनेगी। और मैंने इस तरीके से फैलाया था, चमचे के सहारे से इसे थपथपा कर अच्छे से एक बराबर कर लिया था। और मैंने फिर बाद में इसे चौकोर शेप दिया, हाथों की हेल्प से इसे चौकोर शेप दे दिया था। फिर उसके बाद मैंने ये ग्रेटेड पूरे काजू, पिस्ता, बादाम जो था पूरा इसी पे मैंने अच्छे से फैला दिया था। और इसको पूरा फैला देने के बाद में मैंने केसर के कुछ धागे भी इसमें ऐड करे थे। आज अष्टमी है और अष्टमी को नारियल का भोग लगता है, तो मैंने सुबह नारियल भोग लगाया था और शाम को मैंने सोचा चलिए नारियल की बर्फ़ी बना लेते हैं। तो इस मिश्रण को इस तरीके से फैलाकर थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्रीजर में रख देंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लग रही है देखने में। और फ्रीजर से निकालने के बाद में जब ये निकाल लेंगे आधा घंटे बाद, तो इस तरीके से हम इसके पीसेस कर लेंगे। और पीसेस करके आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी और कितनी सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है। और ये बहुत झटपट बनने वाली मिठाई है। अगर कोई आपके घर में गेस्ट आ रहा हो या आपको कभी भोग के लिए ज़रूरत हो तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके पीसेस किस तरीके से निकल के आसानी से निकल रहे हैं, ये देखिए। तो ये बहुत ही झटपट बनने वाली बर्फ़ी है और बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनती है। और आप भी इसे बिल्कुल ट्राई करिएगा और आपको बहुत ही पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।